जो हमारे नए सब्सक्राइबर जुड़े हैं इस समय, तो पिछले मैं देख रहा हूँ एक डेढ़ हफ्तों से किसी न किसी वीडियो में कमेंट आ जाता है कि सर फोनपे वॉलेट में जो बैलेंस पड़ा है उसे हम अपने बैंक अकाउंट में कैसे ट्रांसफ़र कराएं। तो सोचा मैं आप लोगों के लिए एक डेडिकेटेड वीडियो बना देता हूँ, सभी के लिए बना देता हूँ, सभी लोग देख लें एक बार दोबारा, और जिनको नहीं पता उनको तो मतलब नया जानकारी मिल ही जाएगी कैसे फ़ोनपे वॉलेट बैलेंस को सीधे बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जाता है। तो इस वीडियो के माध्यम से हम बात करने वाले हैं अपने फ़ोनपे वॉलेट में कितना भी पैसा पड़ा हो, 10 रुपये, 20 रुपये, 500, 1000, 10000, उसे आप कैसे अपने बैंक अकाउंट में इजीली ट्रांसफ़र करेंगे उसके बारे में बात करने वाले हैं। देखिए यहाँ पर फ़ोनपे वॉलेट बैलेंस को बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र करने के लिए दो तरीके हैं। पहला जो तरीका है वो विथआउट एनी चार्ज, बिना किसी चार्ज के अपने बैंक अकाउंट में इजीली ट्रांसफ़र कर सकते हैं। दूसरा जो मैं तरीका बताऊंगा उसमें आपको कुछ चार्ज देना पड़ेगा, लेकिन जो दोनों तरीका है वो बिल्कुल फ़ोनपे का ऑफिशियल तरीका है। एक नहीं, किसी थर्ड पार्टी ऐप में जाना है, वहाँ से फ़ोनपे ऐप में लॉगिन होना है, उसके बाद अपना वॉलेट में ये से करना नहीं, आपको मैं फ़ोनपे का दोनों ऑफिशियल तरीका बताऊँगा ताकि यहाँ पर कोई आपको टेंशन ना हो अपना पैसा बैंक अकाउंट में ट्रांजेक्शन करने के लिए। तो बने रहिए हमारे साथ, इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, हम आपको बताएंगे दो ऐसे तरीके जिसके माध्यम से अपना फ़ोनपे वॉलेट बैलेंस को आप अपना सीधे बैंक अकाउंट में इजीली ट्रांसफ़र कर सकते हैं विथआउट एनी टेंशन। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं एक छोटे से इंट्रो के साथ। आपको सबसे पहले करना क्या है कि आपका जो फ़ोनपे अकाउंट है तो आप गूगल प्ले स्टोर में जाइए, फ़ोनपे को एकदम अपडेटेड वर्जन में अपडेट कर लीजिए। चाहे ये वीडियो आप एक महीना बाद देख रहे हो, दो महीना पुराना या साल भर, तो सबसे पहले आपको फ़ोनपे ऐप को अपडेट कर लेना है। तो जैसे ही आप अपने फ़ोनपे अकाउंट को ओपन करेंगे अपडेट करने के बाद, तब आपको माई होम पेज पर आने के बाद आपको माई मनी वाले ऑप्शन में जाना है, जो एरिया हाईलाइट किया जा रहा है उस पर आपको टैप करना है। जैसे ही टैप करेंगे तो आपको यहाँ पर फ़ोनपे टॉपअप का या फ़ोनपे वॉलेट का ऑप्शन मिल जाता है, इसे उस पर टैप करेंगे। जैसे कि मेरे अकाउंट में अभी फ़िलहाल में 1000 रुपये हैं, तो इसमें से मैं आपको पैसा बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र करके दिखाऊंगा, और साथ में अपने अकाउंट में चेक कर सकते हैं कि मेरे में कितना कैशबैक है या कितना आपके पेटीएम बोला मैं फ़ोनपे वॉलेट में बैलेंस है। देखिए कैशबैक ही यहाँ पर मिलता है ज़्यादातर, जैसे कि किसी फ्रेंड को इन्वाइट किया वहाँ पर आपको कैशबैक मिल जाता है, कोई रिचार्ज या बिल पेमेंट के उसके लिए फ़ोनपे कैशबैक देता है, मनी ट्रांसफ़र के लिए कैशबैक देता है, या किसी अन्य ट्रांजेक्शन करते हैं किसी वेबसाइट वगैरह में जाकर के फ़ोनपे कैशबैक देता है। तो उसी कैशबैक को आज हम बताएंगे कि आप कैसे फ़ोनपे वॉलेट में फ़ोनपे वॉलेट से बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो आपके अकाउंट में जितना भी बैलेंस हो, तो आपको सबसे जो पहला तरीका है इसमें फ़ोनपे वॉलेट बैलेंस को बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र करने के लिए, पहला तरीका अगर आपके आस पास आपके फ्रेंड सर्किल में कोई ऐसा फ़ोनपे का मर्चेंट अकाउंट रखा हो इसमें फ़ोनपे का वॉलेट बैलेंस एक्सेप्ट होता हो। देखिए यहाँ पर बहुत सारे लोगों के पास फ़ोनपे का मर्चेंट अकाउंट है लेकिन उसमें केवल UPI के थ्रू पैसा एक्सेप्ट होता है, तो लेकिन आपको एक ऐसा फ़ोनपे का मर्चेंट अकाउंट ढूंढना है जिसमें आपको फ़ोनपे वॉलेट का पेमेंट अपसेट करने का उसमें ऑप्शन इनेबल हो, जैसा कि उसका QR कोड को स्कैन करेंगे, जैसा कि इस अकाउंट में देख सकते हैं मेरे पास एक QR कोड है, उसको स्कैन करूंगा, तो जैसे स्कैन करूंगा तो मेरे इस मर्चेंट अकाउंट में फ़ोनपे से बैलेंस अपसेट करने का ऑप्शन इनेबल है। तो यहाँ पर फ़ोनपे वॉलेट से यहाँ पर बैलेंस यहाँ पर उसमें सेंड करने का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पर देख सकते हैं। तो मैं इस अकाउंट से आपको यहाँ पर दिखाने के लिए कैसे फ़ोनपे वॉलेट से अपने QR कोड पर जो फ़ोनपे का मर्चेंट अकाउंट है उस पर कैसे पैसा सेंड करेंगे, तो यहाँ पर मैं 100 रुपये जैसे सेंड कर देता हूँ तो उसके मर्चेंट अकाउंट में मेरा 100 रुपये चल जाएगा, और ये 100 रुपया 24 आवर के अंदर मेरे बैंक अकाउंट में रिसीव हो जाएगा जो फ़ोनपे का मर्चेंट अकाउंट में यहाँ पर मैंने बनवाते वक्त दिया था, वो भी बिना किसी चार्ज के। तो पहला तरीका यही था कि अगर आपके पास कोई अगल बगल या आपके फ्रेंड सर्किल में या आसपास कोई भी छोटी सी दुकान हो या बड़ी दुकान हो उसके पास जाइए और QR कोड को स्कैन कीजिए, उसमें अपना फ़ोनपे वॉलेट जितना है उसका भेज दीजिए और उसको अपना पैसा कैश करा सकते हैं, सीधे बैंक अकाउंट में ले सकते हैं विथआउट एनी चार्ज, 1 रुपया भी चार्ज नहीं लगता है, ठीक है। अब दूसरा तरीके के बारे में बात करते हैं, ये भी फ़ोनपे ऐप में जो यहाँ पर जो दूसरा तरीका है इसमें आपको फ़ोनपे का गोल्ड बाई करके यहाँ पर अपना पैसा बैंक अकाउंट में ले सकते हैं। देखिए आपके पास मर्चेंट अकाउंट कहीं से भी अवेलेबल नहीं हो पा रहा है तो गोल्ड वाला ऑप्शन ट्राई कर सकते हैं। तो आपको माई मनी वाले ऑप्शन में जैसे आएंगे तो यहाँ पर गोल्ड भाई गोल्ड वाला ऑप्शन मिल जाएगा, जैसे इस अकाउंट पर टैप करेंगे तो आपको सबसे पहले यहाँ पर सेफ गोल्ड वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है बाई करने के लिए, जब भी गोल्ड बाई करेंगे तब भी उसके बाद अपने बैंक अकाउंट में पैसा वहाँ पर भेज पाएंगे। तो सबसे पहले जो सेफ गोल्ड वाला ऑप्शन है उस पर बाई नाउ वाले ऑप्शन में क्लिक करना है, जैसे क्लिक करेंगे तो आपके मैं पूछा जाएगा कि आप कितने रुपये का गोल्ड बाई करना चाहते हैं, तो आपको जितना भी अमाउंट का जितने भी आपके कैशबैक पड़े चाहते हैं पूरा अमाउंट का एक बार कर सकते हैं, आपको 100 रुपया 200 रुपये का करना है तब भी कर सकते हैं। तो मुझे यहाँ पर 100 रुपये मैं करके दिखाना, जैसे अमाउंट में 100 रुपये डालूंगा, प्रोसीड टू पेमेंट करने के लिए जाऊंगा तो यहाँ पर देख सकते हैं कि आपके सामने
फोन पे वॉलेट पे यहाँ पर चेक मार्क लगा हुआ आ रहा है, यानी ये बता रहा है कि आप अपने फोन पे वॉलेट में जो आपका कैशबैक रिसीव या लॉयल्टी कैशबैक है, इससे भी अपना गोल्ड बाई कर सकते हैं। तो आपको यही करना है, अगर आपके पास मर्चेंट अकाउंट अवेलेबल नहीं है तो आप अपना पैसे को गोल्ड खरीद सकते हैं, सेफ गोल्ड। और जितना रुपये का गोल्ड खरीदेंगे तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, जैसे यहाँ पर पेमेंट मैं डन कर देता हूँ तो इसको अब मुझे सेल करना होता है। जैसे ही सेल कर दूंगा, इस 24 आवर के बाद ये सेल होता है, जैसे ही सेल कर देंगे तो आपके जो बैंक लिंक है फ़ोनपे में उसमें डायरेक्ट इंस्टेंट पैसा क्रेडिट हो जाता है जब भी आपका गोल्ड सेल हो जाएगा। तो इसमें आपको घाटा लगता है थोड़ा बहुत, यहाँ पर आपको चार्ज देना पड़ता है, 7.5% या 7.5% का इसमें चार्ज देना पड़ता है। यानी जब भी आप 100 रुपये का गोल्ड बाई करेंगे अपने बैंक अकाउंट में पैसा लेने के लिए, तो आपको 7.5% या 7% का चार्ज देना पड़ता है। तो इसमें यही थोड़ा नुकसान है, लेकिन ये भी ऑफिशियल तरीका, अगर आपके पास मर्चेंट अवेलेबल नहीं है तो भी तरीका आप अपना ट्राई कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही था, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में कुछ और रिस्टार्टिंग ऑफर्स का, तब तक के लिए खुश रहिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर देना।